दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो हमारा चैनल जरूर आप सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना मत भूलें। नमस्कार दोस्तों, तो लीजिए मैं एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके सामने बांसुरी की एक और वीडियो लेकर। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ अलंकार जो हमारी फिंगर्स को चलाने के लिए बहुत ज़रूरी हैं। पहले तीन अलंकार बहुत इजी हैं और वो मैं आपको आज बजाना सिखाऊंगा फ्लूट पे। तो जिन्होंने हमारी पहली वीडियो बेसिक वीडियो जिसमें मैंने बताया हुआ है कि स्वर को कैसे बजाना है, सारे गामा पा किस प्रकार बजाते हैं बांसुरी पे, तो वो हमारी जो वीडियो है पहले वाली बेसिक वीडियोज़ हैं तीन, वो आप देख लें। और मैं कोशिश करूंगा कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक भी डाल दूंगा, और अगर आप देखना चाहें तो मेरे चैनल में जाके वो बांसुरी की वीडियोस भी आप देख सकते हैं जो पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं। तो चलिए आज की वीडियो में शुरू करता हूं। और आज की वीडियो में जैसा कि मैंने बताया आपको, पहला अलंकार जिसमें हम एक जो स्वर सारे गमा पाधाने से वो बजाएंगे, और उसके बाद हम एक स्वर को दो बार सा सा रे रे गा गा मामा ये स्वर बजाएंगे, और उसके बाद दो स्वर हमें सा रे रे गा गामा ये बजाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी वीडियो को। सबसे पहले हम सिंपल सरगम होती है फर्स्ट वाली वो बजाएंगे। कैसे, देखिए। तो ये हमारी फर्स्ट सरगम है, सा रे गा मा पा धा नी सा नी धा पा मा गा रे सा। ठीक है, तो इसमें देखिए जो सा रे गा मा मा हम जो बजा रहे हैं वो हल्का सा हम इस फिंगर को पीछे लेके जाएंगे। पीछे लेके जाने से क्या होगा कि ये हाफ होल जो है सुराख है वो आधा सुराख खुलेगा और उससे मा शुद्ध की आवाज़ आएगी। एक बार देखिए, स्पेशली मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। देखिए, समझ रहे ना कि ये हमने हल्का सा ऊपर करना है फिंगर को ताकि थोड़ा सा जो ये होल है वो खुल जाए, क्योंकि अगर हम पूरा अगर खुल जाएगा तो वो मां तीव्र हो जाएगा। कैसे, देखिए, ये मां तीव्र हो जाएगा, तो ये हमने ध्यान रखना है। कैसे, तो ये हमारा मां शुद्ध है। तो फिर एक बार देखिए दूसरी सरगम में हम दूसरी अलंकार में हम एक स्वर को दो बार बजाएंगे। कैसे, देखिए, ठीक है दोस्तों। तो इसके बाद हमारा जो थर्ड है अलंकार, उसमें हम दो स्वर बजाएंगे, सा रे रे गा गा मा मा पा पा धा धा नी नी सा। ठीक है, तो चलिए कैसे बजाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारे तीन अलंकार हैं जो हम बांसुरी पे बजाना सीख सकते हैं। और इससे क्या हुआ कि हमारी जो फिंगर हैं, उंगलियां हैं, उनकी स्पीड जैसे जैसे आप बजाते जाएंगे तो आपको ये उंगलियां कहाँ पे रखनी है, कैसे आनी है, फिर ये स्पीड आपकी बन जाएगी, तो आपको बजाना फिर धीरे धीरे हम आगे भी बढ़ते जाएंगे। तो पहले आप तीन जो मैंने बताए हैं अलंकार, इनका आपने प्रैक्टिस करना है। और जो दोस्त हमारे पहली बार आए हैं वो हमारी वीडियोस जो पहले वाली वीडियोस देख के फिर आप ये वीडियो देखें तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। और बाकी आप मेरे ज़्यादा जानकारी के लिए आप मेरे पेज है जो फेसबुक पेज है
सिंगर कुमार विक्रम के नाम से आप उसको फॉलो कर सकते हैं, और इंस्टाग्राम पे भी आप सिंगर कुमार विक्रम के नाम से मेरी आईडी है, उसको भी फॉलो कर सकते हैं। और इस वीडियो के बारे में अगर कोई आपकी कुछ पूछना चाहते हैं या कोई भी कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट डाल सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको उस चीज़ का रिप्लाई दूँ। और अगर पॉसिबल हुआ तो अगर आपका विषय एक वीडियो के बनाने के लायक हुआ तो उस पर आपको वीडियो भी मैं ज़रूर बना के दूँगा। और अगर आप थोड़ा सीरियस हैं इस मामले में, सीखने के मामले में, तो हमारी ऑनलाइन क्लासेस भी स्टार्ट हो चुकी हैं। तो आप अगर ऑनलाइन क्लास लेना चाहते हैं, बांसुरी, हारमोनियम, ढोलक, सिंगिंग किसी भी तरह की आप अगर लेना चाहते हैं तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी डिटेल्स ले सकते हैं, और क्लासेस का के बारे में आप टाइमिंग जो भी आप चाहें, जो भी पॉसिबल होगा तो वो आप डिस्कस कर सकते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ हमारे जो भी क्लास आपको मिलती रहेंगी लगातार मैं कोशिश करता रहूँगा, और बीच में से जो मैं क्लासेस नहीं दे पाया उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि थोड़ा सा टाइम का मुझे थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था, इसी वजह से मैं बीच में काफ़ी क्लासेस काफ़ी टाइम के बाद ये मैं क्लास दे रहा हूँ, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। और हमारे साथ आप बने रहिए, लगातार आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। बड़ा अच्छा लगता है जब मैसेज करते हैं आप, बड़ा खुशी होती है कि हमारे काम से आपको सीखने को मिल रहा है, और हमारा ये वीडियो बनाना सफल लगता है जब आप जैसे जो सीखने वाले संगीत प्रेमी हैं वो हमें मैसेज करते हैं, फ़ोन करते हैं कि सर हमें समझ में आ रहा है जो आप सिखा रहे हैं। तो इसी तरह ही आप अपना आशीर्वाद बनाए रखें, और माँ सरस्वती हम सब पे कृपा करें कि हम इसी तरह संगीत की सेवा करते रहें। धन्यवाद। Thank you.